15 मिनट याद दिला रहे हैं कि 15 मिनट याद है ना, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग 15 मिनट हिंदुओं को टारगेट करके याद दिला रहे हैं, उनसे मैं एक बात कहूंगी, दाढ़ी जालीदार टोपी पहन करके जरा चाइना में घूम करके आए 2 4 दिन, म्यांमार और चाइना चैलेंज है मेरा। ये नेहरू के पाले हुए है ना, इनका इलाज गांधीवाद। जाके लॉरेंस से हाथ मिला ले 2 मिनट के लिए, 15 मिनट की बात कर रहा है। देश के हिंदुओं को पागल ना समझो। हैदराबादियों, केवल जालीदार टोपी लगा के दाढ़ी दिखा के हिंदुओं को धमकाने की कोशिश ना करो। ओबेसी कान खोल करके सुन लो, दोनों भाईजान, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुस्तानियों का है। इसमें 15 मिनट की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूं जरा लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला करके दिखा, औकात है तेरी, 15 मिनट की बात छोड़ दे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए, वापस लाने के लिए देखिए, संविधान, सूरज अपनी गरिमा छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता को छोड़ सकता है, कश्मीर से धारा 370 जो हटी है वो दोबारा लागू नहीं होगी। ये प्रोपगंडा है, और ये प्रोपगंडा करने के लिए तो ये लोग आए हैं। राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं उसमें। तो राहुल गांधी खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी जो कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए जिन्होंने प्रोपगंडे किए थे उनकी मदद करते हैं, राहुल गांधी जेहादियों को मदद करते हैं, और इन नेहरू खानदानियों का इलाज गांधीवादी तरीके से बहुत अच्छे से दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी पक्का गांधीवादी निकलेगा, चिंता ना करिए। एक लेटर आया है पाकिस्तान से कि यहाँ एक आतंकी बंद है अपना जम्मू कश्मीर का, उसकी वाइफ है, दो वाइफ, उस पाकिस्तान से लेटर राहुल गांधी को लिखा है कि मेरे पति की हेल्प करिए। तो उसको यासीन उम्मीद की है, बात उन कर रहा हूँ, जेहादियों को, आतंकवादियों को उम्मीद किनसे लगेगी? राष्ट्रवादी ना मोदी जी से, ना योगी जी से कर सकते वो, ना अमित शाह जी से, ना वो रिक्वेस्ट साध्वी प्राची से करेंगे। वो करेंगे तो इन जेहादियों की मदद करने वाले, आतंकवादियों की मदद करने वालियों से ही वो मदद की गुहार करेंगे। ट्रेनों को लगातार पलटने की एक साजिश जो पूरे देश में चल रही है, प्रयागराज में भी देखिए, ये घटना। जो जेहादियों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, हिंदुस्तानियों को टारगेट बनाना, हिंदुस्तानियों को कभी थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, कभी अब ट्रेन पलटने के लिए नया ये सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। सरकारों को सचेत होकर के इन लोगों की गतिविधियों पर, आतंकवादी गतिविधियां है ये भी, इन पर नजर रखनी चाहिए। महाकुंभ में एक बड़ा संदेश गया है कि जो जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको एंट्री नहीं है, दुकान की एंट्री नहीं है उस आखिर पर। क्यों एंट्री दे? आपके चैनल पे पूछ रही हूं मैं, मक्का मदीना में एंट्री कराइए। और इनका जो व्यापार हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं के जो ये कुंभ, इन पर नहीं होनी चाहिए। ये थूक जियाद और मूत्र जियाद चलाते हैं, इसलिए हमारे जो कुंभ है वो साधना के लिए है भाई, हम साधना करते हैं उसमें, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। तो ये जरूरी है, इनकी नो एंट्री कुंभ में, हिंदुओं के त्योहारों पर भी इनकी नो एंट्री करनी चाहिए और महाकुंभों पर भी। लगातार महाराष्ट्र में एक उद्धव उद्धव ठाकरे ने वहां एक जो महापुरुष है उनकी मतलब भेद भी की है, महापुरुषों की जो तस्वीरें हैं, मूर्ति हैं, उनके भेद भी की है, वेद, मतलब उनकी बेइज्जती की है। अच्छा, उद्धव ठाकरे ने क्या कह दिया? देखिए, ये कुर्सी पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, ये कलमा पढ़ लेंगे भाई, ये तो 5 समय नमाज भी पढ़ते होंगे घरों के अंदर। इनको तो कुर्सी चाहिए, कांग्रेस ने 70 साल तक यही तो किया था,
केवल मुस्लिम तुष्टिकरण। बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं वो तो। बाला साहब तो देश के शिवाजी थे, ये तो कुछ नहीं है, ये तो केवल मुस्लिम तुष्टिकरण कुर्सी पाने के।